हरी बोल। आज कई सारी प्रश्न आया हमारे पास, आने वाला जो पुरुषोत्तम मास, हमारा वैष्णव विचार है पुरुषोत्तम मास, लेकिन स्मार्ट शक्त ये लोगों का विचार में मौल मास। मौल मतलब गंधामा, लेकिन भगवान का महिना, भगवान का दिया हुआ कोई चीज वो तो मौल हो नहीं सकता। वैष्णव का विचार ऐसा ही है, इसीलिए वैष्णव बोल रहा पुरुषोत्तम मास। ये पुरुषोत्तम मास मतलब क्या? ओधि मास क्यों? देखो 27 नक्षत्र है एक महीना में, हार मान हार्ष महीना में 2-3 दिन ज़्यादा हो जाता, इस प्रकार करते करते 2 वर्ष 8 महीना 10 दिन अंतर एक मास अधिक हो जाता, मतलब ज़्यादा हो जाता। वो एक महीना दो माने एक महीना अधिक को ओधि मास भी कहलाता, मतलब मौल मास ठीक नहीं बोलना ठीक नहीं। ये महीना वैष्णव का विचार में बहुत अच्छा महीना है। क्यों ना? ये महीना भगवान हम सबको मौका दिया उनको साधना के लिए। क्या करना चाहिए सुबह से? पुरुषोत्तम मतलब भगवान, भगवान के साथ हम सबको जोड़ना चाहिए, हर पल ये महीना में जोड़ना चाहिए। क्यों? भगवान के साथ जोड़ने से क्या होता? भगवान के साथ जोड़ने से हमारा भक्ति में माने भक्ति मिलता। भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब प्यार, ऐसा प्यार जो जहाँ पे कोई लेना देना नहीं रहेगा, देना होगा लेकिन लेना के कोई विचार नहीं। जो जिनके लिए हम भक्ति करेगा उनको सुख के लिए सब कुछ करना चाहिए, सब दो, जो कुछ है सब दो, उनको सुख के लिए दो, लेकिन मांगो मत, तब भक्ति होता। इस प्रकार भक्ति को सच्चा प्यार कहलाता। तो कृष्ण भक्तों, इस महीना भगवान कृष्ण को चिंता करते करते बिताता। इस महीना में हम सबको मंत्र जप करने होगा, एक्स्ट्रा मंत्र। क्या मंत्र? तो ये मंत्र है इस प्रकार, गोवर्धन धरंग वंदे गोपाल गोप रूपिणम गोकुलोत्सवम ईशनम गोविंदम गोपिका प्रियम। गोवर्धन धरंग वंदे मतलब क्या? जो गोवर्धन पर्वत के उठा लिया था, कौन उठा लिया? गोपाल गोप रूपिणम, गोपाल 7 बरस उम्र एक ग्वाल बाल। सो कौन है? गोवर्धन धनंग मंदे गोपाल गोप रूपिणम गोकुलोत्सवम ईशनम। गोकुल का जो उत्सव बनाता, जिनके लिए उत्सव बनाया गोकुल में, नंद महाराज बनाया, किनके लिए? गोवर्धन धनंग वंदे गोपाल गोप रूपिणम गोकुलोत्सवम ईशन गोविंदम गोपिका प्रियम। गोविंद जो गौ चराता, गोविंद और गोपिका प्रियम, गोपिका
गोपी का बहुत प्यारा, तो कौन है? भगवान कृष्ण। ये मंत्रों में जप करते करते भगवान का इस प्रकार लीला चिंतन करो, किस प्रकार गोपी लोग, गोपी सब भगवान को लेकर के बहुत कुछ किया, भगवान किस प्रकार सेवा किया, भगवान को किस प्रकार सेवा किया गोपाल, वो चिंतन करो। बहुत हर एक प्रकार किस प्रकार भगवान गोकुल में जन्म लीला किया, किस तरीक़ा से गोकुलवासी से मिल के आनंद लिया भगवान का जन्म लीला से, इस प्रकार चिंता करो। मन को बैठाना चाहिए कहाँ पे? भगवान का सेवा पे। यही पुरुषोत्तम महीना का, पुरुषोत्तम बुध करने का असली लक्ष्य है। क्यों? न मौन जहाँ पे स्थिर होगा, बैठ जाएगा, वही हमारा गति होगा। हम सब ऐसा ही मांग रहा, पुरुषोत्तम भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ना चाहिए। क्या संबंध है हमारा? हम सब जीव, ये जीव सब भगवान का हमेशा के लिए दास, नौकर। दास नौकर। इसलिए इस महीना में फालतू बात मत करो, खाना पीना ऐसा करो नींद ज़्यादा नहीं हो, जय नहीं हो जाए, ऐसा खाना पीना करो जो तुम्हारा भगवान का नाम करने का बहुत ताकत मिले। ज़्यादा खाने से क्या होता? ज़्यादा खाने से हमारा नींद आ जाता। पता नहीं आपका क्या होता, लेकिन हमारा तो होता। इसीलिए थोड़ा थोड़ा खाओ। और ऐसा कर सकता हमारा प्रभुपाद जी तो ऐसा किया, जे दिन में एक बार, हाँ एक बार खाते थे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांतम। और सोते थे कहाँ पे? बिस्तारा का ऊपर नहीं, जमीन का ऊपर कोई मैट बिछा के, कोई चीज दरी बिछा दो, बिछा के सो जाओ। मैंने सोना खाना भगवान के लिए थोड़ा कम कर दो, ज़्यादा भगवान के बाबाड़ी में चिंता करो। और एक बात सुना कि जे पुरुषोत्तम मायना में भविष्य न करना चाहिए। बात तो सही है, भविष्य न हंडी में, घड़ा में, मिट्टी का घड़ा में चावल आलू जो अच्छा जितना सब्जी है डाल के, हमारा बंगला में ऐसा करता कि चावल आलू जितना सब है सब्जी है मिला के, घी दे करके, नमक तो नहीं लेता, लेकिन नमक बिना तो को खा नहीं सकता। जो लोग नमक बिना खा नहीं सकता तो नमक दो, हाँ वो नमक दे करके ऐसा खा लो। और गाय का दूध मिलेगा तो दूध की फल पी लो, शरीर में ताकत चाहिए। ऐसा नहीं जे करते करते हम थक गया, डॉक्टर बोला जे तुम्हारा शरीर में सब कुछ कम हो गया, ऐसा नहीं। शरीर अनुसार तुम खाओ। और हमारा गौड़िया मठ में हर रोज तो हमारा पुरुषोत्तम नमस्कार करना,
क्यों? पुरुषोत्तम का सेवा में हमारा सेवा ही हमारा जीवन है जिंदगी, इसलिए हम सब छोड़ छाड़ के मंदिर में आया। जिंदगी इस तरीके से बिताने के लिए, पुरुषोत्तम का सेवा में बिताने के लिए हम सब गौड़ीय मठ में आया। तो इसलिए गौड़ीय मठ में हर रोज पुरुषोत्तम मास होता, और संभव हो तो शाम को दीप दिया जलाना। दिया जलाते जलाते भगवान का दामोदर लीला, नमामि शरं सच्चिदानंद रूपं, वो जो हम कार्तिक महीने में करते थे वो कीर्तन कर सकता। और जो है सो मैनी मैंने क्या बोला, बहुत 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 सारी कीर्तन है भगवान को शरण करने के लिए। कई लोग जगन्नाथपुरी में है तो लोग कर सकता, कदाचित कालिंदित तट विपिन संगीत जगन्नाथ अष्टकम कर सकता। मतलब इस महीना में गुरु वैष्णव का अनुगत्य ले करके सबको भगवान का सेवा करना चाहिए जो भी हो। लेकिन संसार का कर्तव्य छोड़ के तो हो नहीं सकता, कर्तव्य करने पड़ेगा, कर्तव्य करने के लिए ऑफिस जाने पड़ेगा। इसीलिए तुम्हारा हिसाब से तुम चलो, तुम ऑफिस जाओ, ऑफिस बंद मत करो, ऑफिस जाओ घर वापस आने से बाद जितना हो जाए करो। हाँ, भगवान का नाम लो ज़्यादा ज़्यादा, दिया जलाओ, तुलसी परिक्रमा करो हर रोज़। तुलसी पेड़ का नज़दीक में बैठ के दिया जलाते, अगरबत्ती दीपक जलाने से बाद वहीं पे बैठ बैठ के कुछ हरि नाम करो तुलसी के पास बैठ के, ये भी पुरुषोत्तम का बहुत सेवा होता। क्यों? भगवान का बहुत प्यारा तुलसी देवी, इसलिए तुलसी का सेवा करो। खाना पीना ऐसा करो जहाँ से जो देखो जो सब भगवान का अर्पण अर्पण हुआ, इस प्रकार खाना पीना करो, अर्पण बिना मत खाओ, भगवान को अर्पण करो खाओ। और जो हम बोला हविष्यन्न, हविष्यन्न कर सकते करो, ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब कुछ हिसाब से करना। हाँ, हमारा तो विचार था जे हमारा सारा मंदिर में 24 घंटा पुरुषोत्तम महीना में कीर्तन होगा, सिर्फ महामंत्र कीर्तन होगा, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन का वजह समय हम लोग तो ज़्यादा लोग जोड़ नहीं सकता। मतलब 24 घंटे करने के लिए कम से कम 20 लोग चाहिए, तो 20 लोगों को एक महीना लगातार कीर्तन करना चाहिए। मैंने 2 घंटा एक ग्रुप हो गया, 4 लोग का ग्रुप हो गया, फिर से आएगा और 4 लोग आएगा, इस प्रकार 4-5 घंटा, मैंने जो हिसाब होगा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, अगर हम 5 ग्रुप है तो 10 घंटा अंतर 2 घंटा, मतलब एक दिन में 2 बार हमारा समय आएगा तो भगवान का सामने में बैठ के हरि नाम करना, एक साथ में संकीर्तन करना। लेकिन क्या करें, अभी तो हम लोग कर नहीं सकता। तो हमारा कहने का मतलब ये है जे ये महीना ठीक ढंग से बिताओ, ठीक ढंग से मतलब जो जैसे भी हो मन को भगवान का चरण सेवा में लगा दो, वही असली पुरुषोत्तम महीना पालन होगा।
तो मन को भगवान का चरण सेवा में लगाने के लिए भगवान का नाम लो, भगवान का मंदिर का अपना हाथ से कुछ सेवा करो, भगवान के लिए अपना खुद से कुछ पकाओ, भगवान का भक्तों का सेवा करो, तुलसी का सेवा करो, भगवान का अच्छी तरह से सजावट करो, सुगंधि दे करके भगवान का मंदिर को सुगंध भरा दो। तुम्हारे घर में अल्टर है तो सुगंधि लगाओ, मतलब खुशबू लगा दो। इस प्रकार हर टाइम चिंता करो भगवान को, माने भगवान के लिए चिंता करो, भगवान का सेवा के लिए चिंता करो, वही असली पुरुषोत्तम मास होगा। हरे कृष्णा।